बोले मद्महेश्वर महाराज की जय। मदमेशमीशं शिवमेकमीणे मदमेश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। तो हेलो दगड़ियो, राम राम। कैसे हैं आप लोग? साहब हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे मधमहेश्वर के रास्ते में गोंधार गांव में मधमहेश्वर होम स्टे में श्री भरत जी के यहाँ रुके हुए हैं कल रात से, और बहुत ही बढ़िया लजीज खाना जिसे कहते हैं, शुद्ध और बिल्कुल ताज़ा। उसी टाइम हमारे सामने ये पेड़ से अभी ये कद्दू की सब्जी बनाई इन्होंने, गोदे की रोटी गाँव का, बिल्कुल घराट का पिसा हुआ आटा, बहुत ही बढ़िया। और गाँव का कौन सा पसंद है आपको? ये वाला लीची, ये वाला। ये हो, ये बंदर वो फोटो तो घर ले यार हमारी। तो ये बन रही है मंडुआ की रोटी यात्री लोगों के लिए, और कद्दू की सब्जी नाश्ते में। और मैडम का मुख फुलकी, चेहरे पे मत लगाना, हटा। चेहरा भी तेरा ऐसे ही है, रोटी भी ऐसे ही होगी। ऐसे काला है मेरे चेहरा, नहीं तो इतना गजब का कि भाई साहब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। पवार जी हाँ, मन बहुत बड़े, बहुत मजा आ गया। मन करता है यहीं रुक जाए 2 दिन के लिए। जी जी सर, सुखम गरम मंडवे की रोटी बचपन में हमने, गरम गरम मंडवे की रोटी खाओ जी, मजा आ गया। गरम गरम रोटी भाभी जी के हाथों की यहाँ बनी हुई ला रहे हैं भाई साहब, राजा लो। रात को भी बहुत ही आनंद आया है। बहुत इन्होंने जो मिक्स वेज बनाए थे, गांव की मिक्स वेज थी, जिसमें हमारे ये अपने छोटे यहाँ की जेमी होगी, यहाँ का अपना भिंडी होगी, जितनी भी सब्जी मिक्स थी बहुत ही अच्छी सब्जी थी। और दाल का जो जायका था वो घर की दाल, जो गांव की दाल थी। और जो हम यहाँ पर भरत भाई हैं, इन्होंने बहुत ही व्यवस्था कर रखी है। इनके रूम बहुत नीट एंड क्लीन है। और हमारे अभी सुबह सुबह तो बहुत ही आनंद आ गया, जो ये अपने कद्दू बेल से निकाल के लाए और तुरंत ही कद्दू के साथ मंडुवे की रोटी, घर का घी। हाँ, और ये घी है, घी प्योर घी है, और ये मट्ठा है। इतना सुंदर नाश्ता हमने आज तक किसी भी यात्रा में हमको नहीं मिल पाया जो यहाँ पर मिला है। हम अन्य जगह भी यात्रा पे गए हैं, पर हमारे कोठारी साहब घी का आनंद लेते हुए, और हमारे सुपर न्यूज चैनल के भी हेड हैं, इनको भी दिखाया जाए, जरा कुछ बातें करेंगे अब हमारे कोठारी साहब। हमने बताया अभी आपको, हमको बहुत खुश है। और जो ये बेहतरीन अनुभव रहा है, ये जो बहुत बढ़िया अनुभव, इसे देख के तो मुझे लग रहा है जीवन में ऐसे पल बहुत कम आते। जो ये वीडियो भी देख रहा था उसके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, ये पागल लोन देख के ऐसा लग रहा है मुझे। तो इसलिए वीडियो जरा लोन की कम बनाए, ताकि जो देखने वाले बंधु है हमारे उनके मुंह में पानी जरा कम आए। ये है नमक, और लोग आए मट्ठा में नमक, बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है, एक नया जीवन। और हम चाहते हैं जो भी टूरिस्ट मधमहेश्वर आएंगे वो भरत भाई से ही यहाँ पर गाइड होकर जाए, क्योंकि सारे रास्ते के बारे में बता देंगे और आगे भी सारी व्यवस्था के बारे में बताते हैं। और बहुत ही अच्छे हमारे जो गाइड का काम भी करते हैं बताने, टूरिस्ट साथी। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई जी। हम सोचेंगे कि जल्दी जल्दी हम यहाँ पर आए। हम लोग सब मसूरी से हैं, सब पर्यटन नगरी से हम लोग। भैया क्या हमारे भरत भाई रोटी की जो काम मैंने करना था ये खुद भैया कर रहे हैं, खाना लाना रोटी लाना है जी। तो ठीक है, थैंक यू भैया। हैं पेमेंट भी करना है? हाँ हाँ, पेमेंट भी ये करेंगे। क्या पता पेमेंट ना पड़े इनको।
नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं आज इस जगह पे आने का सौभाग्य मिला और यहाँ आके काफ़ी आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ इतना प्यारा स्वादिष्ट भोजन जो दीदी द्वारा बनाया गया है, ये देखिए गरम गरम बिल्कुल वादियों में आके इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना खा के शरीर तन और मन दोनों को सुस्त मिला। आज खाना भी खाते हैं। घर जैसा स्वाद और प्रकृति के साथ, और प्रार्थना करेंगे इस परिवार में हमेशा भगवान खुशियाँ सुख समृद्धि दे और मुझे बार बार आने का मौका दे। आइए आप लोग भी आइए, से हो गई आनंद लीजिए। तो फाइनली दोस्तों देखो, हमारे गेस्ट लोग यात्रा करके आ चुके हैं मध्यमेश्वर से, तो थोड़ा इनसे पूछ लेते हैं यहाँ पे कैसी इनकी यात्रा रही और क्या इनके अनुभव हैं यात्रा के यहाँ पे, तो थोड़ा पूछ लेते हैं। चलिए तो जरा बताइए भैया हैं। हाँ जी, कैसी रही आप लोगों की यात्रा मध्यमेश्वर? भरत जी, यात्रा तो बहुत शुभ रही जी और मजेदार भी रही। हाँ, हल्की फुल्की थकान तो लगती है जी जी, क्योंकि हम जरा इतने ज्यादा चलने वाले लोग नहीं थे जी, लेकिन फिर भी सबसे बढ़िया बात तो ये रही कि सारी यात्रा की जो थकान थी जी, आपके भोजन ने जी, यहाँ भी जी और ऊपर मधुमहेश्वर के जो आपका गेस्ट हाउस है जी, वहाँ पे भी जी यही भोजन, साधारण भोजन हाँ, और स्वस्थ शुद्ध और उसी टाइम ताजा भोजन जो आपने खिलाया, आपकी बेटे ने वहाँ पे खिलाया, यहाँ खिला रहे जी, और जो भाभी जी खिला रहे जी जी जी, वास्तव में इसका कोई जो है तोड़ नहीं। यहाँ तो आपने कमाल ही कर रखा कि चौथा भात खिलाया जो है पहाड़ का बड़ा फेमस डिश है जी जी जी, और इसे तो लोग मेरे ख्याल से जो नीचे गढ़वाल किचन के नाम से भेज रहे हैं जी, तो काफी मैंने भेजना, आप तो कुछ भी नहीं जी, बहुत गजब जी, छाछ भी निकाल दो मट्ठा। और ये छाछ देखो, ये छाछ नहीं है वो है बिल्कुल जैसे दही गाढ़ा है पूरा, है ना, बिल्कुल बढ़िया। मेरे ख्याल से जो गांव में अभी आपके यहाँ वही जो परेडी होती जी जी वही है, उसी में होता है जी जी जी। हाँ, क्योंकि बाकी तो सबने मशीनों में जी करना सीखे तो उसमें नहीं आता इतना स्वाद जी जी। ये तो पूरा दही की तरह आपका लस्सी। हाँ जी जी, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, बहुत है ना। बहुत शुक्रिया, आप यू ही खाना की व्यवस्थाएं बहुत मजा, पर्यटकों को यू ही आनंद करते हैं जी। हम चाहते हैं आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें। अच्छा अच्छा, जो आपका व्यवहार, आपका जो यहाँ पे वो है व्यवस्था, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए भैया, यात्री लोगों का तो यात्रियों का होता है। हाँ, वो आएंगे आपके लिए बैठे हैं हम लोग, लेकिन जब आपका दिल खुश होगा तभी हमें भी वो पैसा वफा देगा ना। हमको ऐसा लगा यहाँ पर कि जैसे हम कहीं अपने किसी घर में ही खाना खा रहे हैं जी जी जी, और जो आपने व्यवस्था वहाँ पर मधुमेश्वर की हुई थी जी, वहाँ अटैच बाथरूम जी, इंग्लिश टॉयलेट जी, और खाना इतना, कल हमने कद्दू खाया वहाँ पर, सुबह पराठे खाए जी जी, घर जैसे खाने में लगा, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है जी जी, इतनी बड़ी व्यवस्था उत्तराखंड में हमने अभी आज तक नहीं देखी है। अच्छा, जो मधुमेश्वर आपने करी है जी जी, देखो ना, फर्स्ट पॉइंट में आपके यहाँ थे, रात को रुके हैं जी, फिर हमने रात को वहीं लिया है जी, वहाँ बहुत आनंद आया है जी जी, आते हुए भी हम लंच करके यहाँ से निकलने वाले हैं जी, लेकिन देखो चौंसा जी और ये आपकी दही जी, जो हमको पहाड़ी भोजन जिसके लिए हम तरसते हैं, मट्ठा मट्ठा जी, जिसके लिए हम तरसते हैं जी जी, वो आपने व्यवस्था करी है जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घी ऐसा अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत महंगी, बहुत नेचुरल घी है, हम तो खा रहे हैं इसको, देखो बहुत मस्ती है घी में, गाय का प्योर गाय। बहुत खा लिया, बहुत खा लिया, धन्यवाद बहुत बहुत जी, हम आपका बहुत ही वो देते हैं जी, कि आप उत्तराखंड के पर्यटन में जी जी आपका एक दिन नाम होगा जी जी जी। मेरा ये चैनल का मेन मकसद ही है भैया कि भाई यहाँ के लोगों के बारे में जानना और कैसा खाना हो रहा है यहाँ पे ये बताना ज्यादा, यही है मेरा। और इससे दूसरी बात, आपने जो अपने बच्चों को स्वरोजगार की तरफ उत्साहित करा ना, बेटे बोल रहे थे कि जॉब कर दी मेरे घर जी जी जी। हाँ, आप नौकरी देंगे? नौकरी नहीं करनी है जी जी, नौकरी देनी है लोगों को जी 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 जी, ये बड़ी बात है। मोदी जी क्या बोलते हैं, नौकरी दो जी, जब आप दो चार लोगों को जोड़ोगे जी जी, उनका काम होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल भैया। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।